मैं डॉक्टर केसी गुर्जर, सहाचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BCOM पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थाएं, जिनमें विभिन्न संस्थाएं, नंबर वन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA, जिला परिषदें, विकास खंड व ग्राम पंचायतें, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद कपार्ट, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन और वित्तीय संस्थाएं। ये विभिन्न संस्थाएं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज DRDA, इसके बारे में इससे पहले वाले व्याख्यान में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में जो दूसरा क्रम है वो है जिला परिषदें, विकास खंड व ग्राम पंचायतें और अन्य संस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिला परिषदें, विकास खंड व ग्राम पंचायतें, ग्रामीण विकास में जिला परिषदों, विकास खंडों तथा ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज संस्थाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन इनके संगठनात्मक ढांचे में कुछ अंतर पाया जाता है। सामान्यतः पंचायत राज प्रणाली में त्रिस्तरीय व्यवस्था गांव, खंड तथा जिला स्तर पर की गई है। प्रथम स्तर जो गांव से संबंधित है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है, दूसरा स्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा तीसरे स्तर पर जिला स्तर, जिसको कि जिला परिषद कहा जाता है। दूसरे स्तर अर्थात पंचायत समिति स्तर को आंध्र प्रदेश में मंडल पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, कर्नाटक में तालुका विकास मंडल, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत, तमिलनाडु में पंचायत संघ, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति तथा अरुणाचल प्रदेश में अंचल समिति कहा जाता है। इसी तरह तीसरा स्तर आसाम में महकम परिषद तथा कर्नाटक व तमिलनाडु में जिला विकास परिषद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहा जाता है। पंचायत राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर संगठनात्मक दृष्टि से परस्पर जुड़े रहते हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा हुआ है। ग्राम विकास के कार्यक्रमों को चलाने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतें, सहकारी समितियां और विद्यालय बुनियादी संस्थाएं मानी जाती हैं। तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना सन 1969 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना है। इन परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन राज्य विद्युत बोर्डों अथवा राज्य सरकारों तथा ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजनाओं द्वारा किया जाता है, जिनकी वित्त व्यवस्था यह निगम करता है। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सेवाओं का विस्तार, विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में गहन विद्युतीकरण करना, कृषि पंप सेट, ग्रामीण उद्योगों, घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु विद्युत तथा ग्रामीण गली मोहल्लों में विद्युत व्यवस्था करना है। विगत वर्षों में इस निगम द्वारा जिन ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया, उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों, मुख्यतः हरिजन बस्तियों तथा जनजातीय क्षेत्रों को निरंतर प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके बाद चौथा संस्थान है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित एक स्वायत्त शासी संगठन है, जो ग्रामीण विकास के सभी मुद्दों पहलुओं के संबंध में अनुसंधान
और प्रशिक्षण कार्यक्रम रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य में लगे व्यक्तियों की अनुसंधान कार्यों में लगे व्यक्तियों की उनके काम से संबंधित आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। नेक्स्ट पांचवा बिंदु है जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का पार्ट। जन कार्यवाही ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद की स्थापना 1 सितंबर 1986 को सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था की स्थापना पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI तथा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी CART कार्ट को मिलाकर की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण संपन्नता में वृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देना तथा उसमें सहायता करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संस्था स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है। साथ ही कपार्ट की 9 प्रादेशिक समितियां केंद्र हैं जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित हैं। नेक्स्ट छठा जो संस्थान है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों DRDAs को मजबूती प्रदान करने और उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र राज्य अनुपात 90:10 है। नेक्स्ट एंड लास्ट है वित्तीय संस्थाएं, सातवां बिंदु। भारत में ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात NABARD महत्वपूर्ण हैं। ये सभी संस्थाएं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, प्रशासन आदि कार्यों में संलग्न या कार्यरत हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।